फटाफट महल के जश्न के लिए लड्डू बनाने हैं। जश्न आधे घंटे में शुरू होने वाला है। दोस्तों, हमारे पीछे कोई है। क्या हो गया है तुम्हें भीम? यहाँ कोई नहीं है। मम्मी गोरिल्ला अपने बच्चे को खिलाने के लिए ये ठेला लेना चाहती थी। ओह, और हमने ठेला लेते वक्त उसका बच्चा भी गलती से ले लिया। इसे वापस लौटाना होगा। जल्दी से लौटाओ दोस्तों। मम्मी गोरिल्ला, आपका बच्चा वहाँ भाग गया है, पीछे देखो। मम्मी गोरिल्ला ने हमें झटपट गांव पहुंचा दिया। वाह, हम वक्त पर पहुंच गए। चलो जल्दी लड्डू बनाने। कुछ आइसक्रीम हो जाए। मुझे ये आइसक्रीम चाहिए। और जेब में क्या छुपा रहे हो? हमारे लिए नहीं, उस्ताद के लिए थी। कोई बात नहीं, हम जाकर एक और ले आते हैं। भीम, सीधे सीधे कहो ना, तुम्हें भी आइसक्रीम खानी है।
क्या हुआ तुम्हें? मैंने आइसक्रीम ली थी और फिर अचानक मेरे हाथ से आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों गायब हो गए। कालिया, ये ठीक बात नहीं है। इस बच्चे की आइसक्रीम लौटा दो। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ भीम। क्या सबूत है तुम्हारे पास? इसे ये मुकुट कहाँ से मिला? तो ये क्या है? वो तो मुझे इसने खुद ही दी थी। सच सच बताओ कालिया, वरना तुम्हें मैं कसरत करके दिखाओगे। चलो शुरू हो जाओ भीम। एक, दो, एक। भीम, ये क्या कर रहे हो? पता नहीं चुटकी, ये क्या हो रहा है? कसरत सेहत के लिए अच्छी होती है भीम, लेकिन चॉकलेट और आइसक्रीम। कालिया कहाँ है? सिर्फ बर्ताव नहीं, उसका मुकुट भी। जरूर उसमें कोई राज छुपा है। तुम सही कह रही हो चुटकी, इसका राज मुकुट से ही खुलेगा। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का और जश्न कालिया मना रहे। सब एक एक करके बताओ हुआ क्या है। महाराज, कल रात हम सबके घर में चोरी हुई है, हमारे सारे गहने गायब हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। शांत शांत, आप सब शांत हो जाइए। महाराज, हम भी इस चोर को ढूंढने में आपकी मदद करना चाहेंगे। जरूर भीम। चोर को तो सिर्फ कालिया डिटेक्टिव एजेंसी ही ढूंढ सकती है। कालिया और डिटेक्टिव। भीम तो हमारे साथ था, तो ढोलकपुर में भीम से बढ़कर कौन है? इसका तो पर्दाफाश करना ही होगा। आखिर ढोलकपुर में भीम को मेरे सिवाय कोई टक्कर नहीं दे सकता। उसके पोशाक के अंदर का असली चेहरा बाहर लाने के लिए मेरे पास एक तरबूज है। मतलब मेरे पास एक तरकीब है। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। देखो और सीखो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। पैरों के निशान, ये देखो पैरों के निशान। अरे ये सब क्लूज तो भीम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालिया? ये देखो ऑरेंज कपड़ा, ये देखो वही बाल, और देखो वही पैरों के निशान। दोस्तों मुझे पता है मैंने चोरी नहीं की है, पर कालिया सही कह रहा है, हमें उसकी बात माननी चाहिए। चला गया।
आलिया आंखें खोलो, मुकुट नष्ट हो गया। शुक्रिया भीम, मुझे बचाने के लिए। हाँ भीम, आज तुमने बड़ी अनहोनी रोक दी। ये तो मेरा फर्ज था। और इसी बात पे एक एक आइसक्रीम हो जाए। भीम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जल्द से जल्द ये शाही खत तुम राजा पहलवान को दे आओ। किसी छोटी सी नासमझी की वजह से उसने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर ढोलकपुर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अगर सूरज ढलने तक ये खत उस तक ना पहुंचा, तो ढोलकपुर का अंत समझो। आप फिक्र ना करें महाराज, ये काम बहुत आसान है। हम सही वक्त पर सही तरीके से सही जगह सही हाथों में ये खत पहुंचा देंगे। तो फिर चुटकी को हरा कर दिखा। ये कौन सी बड़ी बात है? लड्डू जरा संभाल के रखना भी। जरूर गालिया। मैं थोड़ी सी मदद करूं। जल्दी करो, जल्दी करो। मैं जीत गया। उस्ताद, तुम ठीक तो हो गालिया? जीत। अरे कोई मेरी गाय को बचाओ, अरे मेरी बकरियाँ। लेकिन इनको डराया किसने? चलो चलकर देख लेते हैं कहाँ है भूत। वहाँ उस खेत में। Thank you.
मेरे दोस्तों और सिपाहियों, तैयार हो जाओ। अब तक के सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, एक ऐसी मिसाल कायम करने के लिए कि आज के बाद कोई भी राजा किसी और की थाली से जलेबियां उठाकर खाने की सोच भी ना सके। तैयार हो जाओ ढोलकपुर को नक्शे से हटाने के लिए। आखिरकार खत मिल गया, अब इसे कुछ नहीं हो पहलवान, पर ये खत सही वक्त पर देना जरूरी था। ये लीजिए। दोस्तों और सिपाहियों, हमारे और इंद्र वर्मा के बीच जो गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है। इसी खुशी में हम राजा इंद्र वर्मा और भीम के सम्मान में एक और दावत की घोषणा करते हैं। बार पी लोगे तो फिर काहे का गम। ये लो मलाई राम का ताजा दूध, पीकर मस्त हो जाए मूड। भीम से मेरी धुलाई का बदला अब ये सफेद दूध लेगा। जाकर इस जादुई दूध को ढोलकपुर वालों को पिला दो, तब सही होगा मेरा मूड। इसको पी के तो बिल्ली में भी बैल जैसी शक्ति आ जाती है। गमछा घुमाई के। फ्री का दूध, वाह। चलो दोस्तों, दूध की दावत हो जाए। पी लो। जग्गू, जिस तरह तुम ग्लास को देख रहे हो, अगर मैं पीऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होगा। तुम ही पी लो। सारा दूध खत्म हो गया। अरे दूध खत्म हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम दूध आपके घर पहुंचा देंगे ऐस सटाक से। पी पी। अरे राजू, तुम सूखी घास क्यों खा रहे हो? इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ। वो गड़बड़ क्या है सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। पहले तो सही, लेकिन इतनी भारी है, हिल भी नहीं रही है। रिश।
अब देखो घंटी का जादू, गमछा घुमाएंगे। अरे ये क्या, सारी की सारी गाय तो मलाई के पीछे चल दी। मलाई राम, मेरा काम हो गया क्या? मालकिन, आपके कहने पर हम आधे ढोलकपुर को गाय बना चुका हूँ। आगे क्या आदेश है गमछा घुमाएंगे? भीम, तुम यहाँ? होनहार गायों, भीम और उसके दोस्तों को सींग मार मार के छल्ली कर दो और फिर टंकी में गिरा दो। मैं इससे निपटना हूँ। चुटकी चक्कू, तुम मलाई राम की घंटी ले लो। इन्हें गाय बनाने के लिए तुम्हें धो धोकर तुम्हारा घी निकाल देंगे। मिल्क शेक पीने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। क्या मिल्क शेक? ओफो बुरी परी, तुमने ये सब सिर्फ एक मिल्क शेक के लिए किया। हम पिलाएंगे तुम्हें मैंगो मिल्क शेक। मुझे इस दशक के सर्वश्रेष्ठ खोजकर्ता का इनाम जिता कर ही रहेगा। बाबा, बाल बाल बच गया, इसे कहीं सुरक्षित रखना होगा। तुम्हारे सवालों का जवाब चुटकी ने नहीं दिया, बल्कि इस चालाक तोते ने दिया। शुक्रिया भीम, मैं हूँ तोता जी और मुझे लाल मिर्च के साथ मैथ भी बहुत पसंद है। वाह, मैथ्स करने वाला तोता, मुझे भी मैथ्स बहुत पसंद है। कहाँ उड़ गए मेरे तोता जी? बांसुरी से बजाऊंगा ऐसे सुर कि उड़ के आओगे मेरे पास फुर फुर। दिमाग तो मेरा भी घूम रहा है। अरे तोता जी, बिना बताए कहाँ चल दिए? उसकी आंखें भी लाल और बड़ी हो गई थी, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। ये मत समझना कि चिड़ी मार है हारा, मैं लौटूंगा दोबारा और करूंगा तुम्हें और तुम्हारे साथियों का फुर फुर। तोता जी की आंखें फिर बड़ी और लाल हो रही हैं। ये ठीक रहेगा। बांसुरी की आवाज तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। वो देखो ऊपर आसमान में, ऐसा लग रहा है पंछियों की बारात निकली है। अरे
तो दोस्तों शुरू करें मैथ्स और स्पोर्ट्स होमवर्क एक साथ। मुझे माफ कर दो भीम, मैं कभी किसी पंछी को कैद नहीं करूंगा और ना लगाऊंगा पास भी के सुर, मैं ही हो जाता हूँ यहाँ से। भीम, मेरा कॉपी कैट गैजेट चोरी हो गया। कॉपी कैट गैजेट? ये मेरी नई खोज है, अगर वो किसी के हाथ लग गई तो मैं इस दशक का सर्वश्रेष्ठ खोजकर्ता नहीं बन पाऊंगा। चाचा हमें चलकर देखना होगा कि आखिर मसला क्या है। ये वही चोर है जिसके बारे में शाही सिपाही बात कर रहे थे। जो भी हो, बस मुझे मेरा गैजेट चाहिए, मेरी कई महीनों की मेहनत है वो। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तो ये लो। दोस्तों मैंने पहेली हल कर दी दोस्तों, लेकिन हम उसे पकड़ेंगे कैसे? वो कहीं भी हमला कर सकता है। चुटकी तुम ही तो कह रही थी ना कि उसके लालच का घड़ा भरता ही नहीं, तो बताओ सोने का लालची आदमी ढोलकपुर में कौन सी जगह जाएगा? महल में। बिल्कुल सही, अब सब हर एक घर से टॉर्च लेकर आओ, बाकी की तैयारियां तो हम महल में कर लेंगे। दोस्तों अभी। अरे आने की खुशी में दीवानी। ये तुम्हारे स्वागत के लिए नहीं, तुम्हारी बत्ती बुझाने के लिए है। बाकी है।